आ, नमस्कार दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में आ, यह वीडियो कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है या फिर कोई आ, ऐसी वीडियो नहीं है कि जिसमें मैं कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ या फिर मैं कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में दिखाने वाला हूँ मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ इस यूट्यूब चैनल के ऊपर करण इन कैनेडा प्रीवियसली करण ब्लॉक्स के नाम से था इसका नाम एंड यह चैनल मैंने स्टार्ट किया था अठारह दिसंबर दो हज़ार बाईस के करीब क्योंकि चौदह दिसंबर दो हज़ार बाईस को मैं कैनेडा आया था तो तकरीबन दो साल हो जाएंगे दिसंबर में एंड काफ़ी जब शुरू किया तो तब एक्सपेक्टेशंस नहीं थी बट ये था कि चैनल चलाना है बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में और एक सपना लेके कनाडा आया था यानी कि यूट्यूबर बनना है बट द फे द जब स्टार्टिंग वीडियोस थोड़ा थोड़ा बिना शेयर करे लोग देखने लगे जब ज़्यादा लोग देखने लगे तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें बढ़ने लगी मेरे को अपने यूट्यूब से लगातार डेढ़ साल डेढ़ साल तो नहीं एक साल दो महीने मैंने लगातार हर दिन वीडियोस बनाई दो दो वीडियोस भी बनाई तीन तीन वीडियोस भी बनाई और डालता रहा चैनल पे बिना सोचे समझे कुछ भी डाल रहा था और लोग पसंद कर रहे थे एंड पर एक दिन भी पत, एक दिन पता भी था कि चैनल का डाउनफॉल भी आएगा डेड भी होगा और वो डाउनफॉल भी मैं शायद अपनी गलती से ही लेके आऊँगा या अपने जो मेरा केयरलेस नेचर है ध्यान ना देना चीज़ों के ऊपर उसकी वजह से लेके आऊँगा और वो चीज़ मैं पिछ, पिछले साल ही पिछले साल तो नहीं मैं इसी साल जनवरी में सोच रहा था कि ये चीज़ शायद मैं फ़ेस करने वाला हूँ यूट्यूब के ऊपर जो कि इतनी मेहनत से मैंने खड़ा किया था एंड वन ऑफ माई फ्रेंड ऑल्सो छोड़ में कि दो ही लोग थे जिनका यूट्यूब से उम्मीद थी और उन दोनों ने ही एक टाइम पे अगर यूट्यूब छोड़ दिया जिसमें उसका एक दोस्त और एक मैं था मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड ने बोला था एंड आज चीज़ रियलाइज हुई वेन एस ओ मैं यूट्यूब एनालिटिक्स जो कि ऑल टाइम लो है एंड चैनल इतना डेड हो गया कि समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए मैंने वो चीज़ छोड़ी है जो मतलब अभी भी मेरी पुरानी वीडियोज़ नई वीडियोस क्योंकि मैं ऐसा डाल नहीं रहा हूँ दस दिन में पंद्रह दिन में वीडियो आती है या फिर पता नहीं क्या हो गया है कि एक मोटिवेशन जो थी यूट्यूब बनाने की वीडियोस बनाने की यूट्यूब और एक प्लेटफॉर्म होने के बाद जो सब्सक्राइबर्स मैंने गेन करे दो बहुत जल्दी गेन कर लिए थे वो चीज़ होने के बाद पता नहीं क्यों मैंने वो चीज़ें छोड़ दी या फिर हालात ऐसी हो गई कि वो चीज़ें छोड़नी पड़ी मेन रीज़न तो मैं ये मानता हूँ कि मैंने जॉब uh, मतलब जो मेरे को फीस निकालनी थी काफ़ी प्रेशर uh, था मेरे ऊपर तो मैंने जॉब्स पे ध्यान ज़्यादा दिया फिर पढ़ाई के ग्रेड्स अच्छे करने थे तो ग्रेड्स पे ध्यान ज़्यादा दिया मैं ये नहीं देखा कि अगर मैं दिन के दस पंद्रह मिनट भी यूट्यूब को देता तो मैं शायद आज पच्चीस से तीस हज़ार सब्सक्राइबर्स से बैठा होता जो कि मेरी खुद की वो है क्या नाम है मैंने सोचा था कि अगर मैं मेहनत करता पहले जैसे और रेगुलर रहता तो मेरे इतने सब्सक्राइबर्स होते हैं टेदी रेड बहुत डीमोटिवेशन होती है जब ये सब देखते हैं एंड चैनल को काफ़ी अच्छे से ग्रो किया था और काफ़ी मतलब uh, दिल से ग्रो किया था लोगों की तारीफ़ें सुनी थी जब लोग मिलते थे यू सी डब्ल्यू के बाहर या कहीं भी सरी में तो बहुत अच्छा लगता था और ख़ुद की मेहनत पर जो मैं कर रहा था, था थोड़ा गर्व होता था बट टुडे मैंने जब मैं देखता तो हूँ अपने चैनल को तो कब काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है ख़ुद को कोसता हूँ तो शायद मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं शायद यूट्यूब धीरे धीरे क्विट कर दूँगा क्योंकि आ, समझ में नहीं आ रहा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वो चीज़ें मैं एक साथ आ, क्या करूँ क्योंकि अब वो स्के स्केड्यूल जिंदगी का ऐसा बन गया स्केड्यूल जिंदगी का जो भी आप लोग प्रोनाउंस करते हो मैं स्केड्यूल ही करता हूँ स्केड्यूल होता है ऐसा बन गया है कि शायद टाइम ही नहीं मिलता बनाने का या मैं आलसी हो गया कि शायद टाइम होता है उस टाइम पे मैं कंटेंट नहीं सोच पाता या मेरी सोचने की शक्ति इतनी कम हो गई है मेरे दिनचर्या के के हिसाब से कि मैं कुछ कर मतलब यूट्यूब के लिए कुछ नहीं कर पा रहा आ, मुझे पता है कि ये वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो पर भी व्यूज़ नहीं आने लोग देख रहे नहीं यार मैं व्यूज़ के लिए वीडियो नहीं बना बट बट मैं डोल में भी जब अभी था कुछ टाइम पहले तो वहाँ पे भी मेरे को किसी ने पहचान लिया कि करण शर्मा मैंने कहा यस तो पीपल आर स्टिल लाइकिंग मी बट आई डोंट नो वाई आई एम नॉट पुटिंग हंड्रेड परसेंट और uh, मैं क्यों नहीं यूट्यूब वीडियोज़ पर कंटेंट पर फोकस कर पा रहा है एंड uh, बहुत चीज़ें दिमाग में चल रही होती है बहुत चीज़ें मतलब हर चीज़ हम यूट्यूब पर नहीं दिखा सकते uh, इस टाइम पे हर चीज़ का प्रेशर एक दिमाग में लेके बैठे हैं हम मैं स्पेसिकली लेकर क्या होता है यार स्पेसिफिकली ले कर बैठा हूँ मैं कि uh, जॉब की टेंशन आगे फ्यूचर की टेंशन आगे परमानेंट रेजिडेंट होना है उसकी टेंशन कब होंगे कैसे होंगे होंगे भी या नहीं होंगे उसकी टेंशन कितना ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे सपने पूरे नहीं होंगे उसकी टेंशन तो वो चीज़ें लेके दिमाग इतना दब चुका है कि यूट्यूब पे फोकस ही नहीं हो पा रहा है तो आई फील दैट इट्स हाई टाइम या तो क्विट कर दूँ या तो और मेहनत करूँ बट समझ में नहीं आ रहा कि करूँ क्या आई थिंक आप लोगों के सजेशनस काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं इट्स हार्ड हाई टाइम कि आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि मुझे करना क्या चाहिए क्योंकि यूट्यूब इस एक ऐसी जगह है जहाँ से मैंने लोगों के ये नहीं कह रहा कि मैंने लाखों लोगों के पर कुछ हज़ार लोगों के मतलब को के दिल में अपनी जगह बनाई थी जब मैं यूनिवर्सिटी के साइड से एक विंडो से गुजर रहा था तो वहाँ से स्टूडेंट्स मेरे को देख रहे थे इंस्टाग्राम पर टैक्स करते कि हे या सो यू एंड सब क्लास में आपको सब जानते थे उस फेस से और अब इस फेस तक की कोई नहीं शायद उस फेस पे मैं खुद को लेके जा रहा हूँ अपने चैनल को लेके जा रहा हूँ कि जहाँ कोई खुद ना जाने मुझे ना जाने तो स्टिल आई एम नॉट लाइकिंग दिस फेस स्टिल आई एम यू नो आई एम एम बिलीविंग दैट कि ये क्या कर रहा हूँ मैं तो यूट्यूब डाउनफोड माइनस चार सब्सक्राइबर्स ज़िंदगी में पहली बार मैंने देखे हैं वह एक ऐसा भी टाइम था कि लास्ट ट्वेंटी एट डेज़ में प्लस सिक्स हंड्रेड सब्सक्राइबर्स थे जो एक महीने में गेन हो रहे थे एंड अब क्या देख रहा हूँ माइनस चार सब्सक्राइबर्स तो वट आई एम डूइंग विद माई यूट्यूब चैनल वो मुझे खुद भी नहीं पता मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा उस चीज़ के लेके एंड uh, वीडियोज़ बना रहा हूँ स्टिल आई एम नॉट यू नो आई एम नॉट लाइकिंग इट कि मैं बना के आ रहा हूँ या फिर अभी मोटिवेशन ख़त्म हो रखी है अब जैसे अभी घूमना फिरना के, के लिए सोचते हो तो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऊपर आ जाती है और एक मिडिल क्लास बंदे की ज़िंदगी में यही होता है कि वो एक खुल के ना चीज़ें कर नहीं पाता जब करना चाहता तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे सर के ऊपर आ जाती है या फिर हमारा खुद का एक माइंड सेट ऐसा होता है कि वो चीज़ करनी पड़ती है एंड हम उससे भाग नहीं सकते हैं चाहे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो आई नीड आई नीड यू आई नीड यू आप, आप सबकी हेल्प चाहिए मुझे ठीक है आई वॉन्ट कि आप लोग मुझे सजेशन दो कि मैं यूट्यूब पे क्या बनाऊँ कैसी वीडियोज़ बनाऊँ seriously guys today करन uh, in canada needs your help uh, I want you guys to participate in my comments comment sections from now onwards I will reply to all my Instagram DMs to all my YouTube comments uh, अब करना पड़ेगा पहले जैसा करन फिर से बनना पड़ेगा जो कि कनाडा के हर किसी के comments पे देखता था reply करता था from now onwards हम मैं फिर या तो मैं क्विट करने की सोच रहा हूँ बट एक ट्राई एक लास्ट ट्राई अपने यूट्यूब चैनल को देख देते हैं एंड आप लोग भी कॉन्ट्रीब्यूट करो आप लोग भी पार्टिसिपेट करो मैं भी पार्टिसिपेट मेरा ही चैनल हो तो मैं तो करूँगा बट आई आई वॉन्ट यू गाइस टू पार्टिसिपेट विद मी एंड आई वॉन्ट यू गायज कि आके थोड़ा बातचीत करो और देखते कि आगे क्या हो सकता है हम कितना और इम्प्रूव कर सकते हैं और बाकी अपने घर वालों का ध्यान रखो लाइफ इज़ टू शॉर्ट लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू आर्ग्यू विद एनी एनी वन लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू होल्ड ग्रजेस फॉर एनी वन जस्ट प्ले योर रोल टू मेक सम वन हैप्पी एंड आई विल ट्राई माई सेल्फ आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक सम वन हैप्पी with my gestures with my good gestures and i want you guys to make your surrounding happy to make current in canada happy to make this world happy i want you guys to participate in my comment section i want you guys uh, uh, to suggest me whether i make videos on canada whether i make videos on international updates whether i make videos on my own stuff my own journey i want you guys to participate in that thing thank you guys upcoming uh, video technically टिल दैट डू वट एवर यू वो डू डो नॉट ट्रेवल अ म मोमेंट डैट भारत माता की जय जय श्री राम एंड जैसा आप लोग मुझे पसंद करते हो वैसे ही रहना है हमेशा एंड बाय बाय गाइज